तुला राशि वालों 24 फरवरी शनिवार का दिन मकर नक्षत्र में अतिगण योग में केतु के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत होगी। सुकर्मा योग 1:35 के बाद आरंभ होगा और सुकर्मा योग आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। अगर आज आप उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। रात 10:20 के बाद पूर्वा फागुनी नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव से आप प्रभावित हो जाएंगे। आज आपकी कुंडली के सुख भाव में मंगल शुक्र का गोचर हो रहा है। सूर्य शनि और बुध की युक्ति आपकी कुंडली के पंचम भाव में, राहु छठे भाव में, बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर आपकी कुंडली के लग्न को प्रभावित कर रहा है। वहीं चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। कर्म का स्वामी है, बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बना रहा है। वहीं मंगल बृहस्पति के साथ चतुर्दशम योग केतु आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। आज का दिन उमंग उत्साह के साथ जीवन के हर कार्य को पूरा करने का दिन है। आज का दिन अपनी क्षमता से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य को बदलने का दिन है। आज आपके जीवन में खुशी भी है, सुख भी है और उन्नति का अवसर भी आपको प्राप्त हो रहा है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। मघा नक्षत्र का केतु और पूर्वा फागुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र अपने प्रभाव से आपके जीवन में अनेक प्रकार का सुख, सौभाग्य, संपत्ति, उन्नति का योग बना रहा है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो जाएंगे, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बड़े लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 24 फरवरी शनिवार का दिन, आज माघ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दिन बड़ा शुभ है, बड़ा समय अच्छा है। मघा नक्षत्र अतिगण योग में दिन की शुरुआत होगी। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु होता है, जो आपके जीवन में उत्साह उमंग को बढ़ाता है, जो आपके जीवन की महत्वाकांक्षा को जगाता है, जिसके प्रभाव से आपकी साहस ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके प्रभाव से जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता है। सुकर्मा योग 1:35 के बाद अपने कर्म से जीवन में सफलता और लाभ का योग, अपने कर्म से धन कमाना, अपने कर्म से जीवन का सुख पाना और अपने कर्म से तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना बड़ा सुंदर अवसर प्रदान करता है। पूर्वा फागुनी नक्षत्र रात 10:20 के बाद शुक्र जिसका स्वामी है, जो आपके जीवन में अनेकों शुभ काम का सामर्थ्य देगा, जो आपके जीवन में सुख सौभाग्य को बढ़ाएगा, जिसके प्रभाव से तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे और जिसके प्रभाव से जीवन में सुख की प्राप्ति भी होगी। आज आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है। आपके कर्म भाव को बृहस्पति जागृत कर रहा है, जबकि धन भाव को चंद्रमा जागृत कर रहा है, भाग्य को राहु जागृत कर रहा है और आपके पारिवारिक जीवन में शुक्र मंगल की दृष्टि है। दिन बड़ा अच्छा है। शुक्र और मंगल की युक्ति जब होती है तो बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में नए अवसर मिलते हैं और प्रेम संबंध की एक नई शुरुआत होती है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जब भी सप्तम भाव आपका शुक्र मंगल से प्रभावित होता है, अचानक आपको किसी से प्यार हो जाता है, अचानक आप किसी को अपना दिल दे बैठते हैं। शुक्र बुध शनि की युक्ति है, त्रिग्रही योग बन रहा है। बुध और सूर्य के प्रभाव से बुद्धादित योग का भी निर्माण हो रहा है।
पराक्रम स्थान को केतु जागृत कर रहा है, यानी अपने पराक्रम से, अपने साहस से अपने जीवन को आप अच्छा बनाएंगे, भाग्यशाली होंगे, सुखी होंगे, जीवन में लाभ होगा, नई शुरुआत होगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, जीवन में खुशियां भी आएगी, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, कार्य की उन्नति आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा, दिन बड़ा खुशनुमा है, बहुत सारी मुश्किलें समाप्त होगी, सुखद दिन है, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, शुक्र के प्रभाव से आप प्रभावित होकर जीवन में ढेर सारी खुशी और उपहार की प्राप्ति कर पाएंगे, भाग्य की बुलंदी से लाभ होगा, यात्रा से धन मिलेगा और जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। यानी आपके लिए आपका उत्साह, आपका उमंग, आपकी जीवन में कार्य करने की क्षमता आपको आगे बढ़ाता है। कुल परंपरा मर्यादा का मान रखने वाला, विजय प्राप्त करने वाला, कार्य कुशलता से सुख पाने में निपुण, आज का दिन साहस पराक्रम से संघर्ष पर जीत हासिल करने का साहस आपको प्राप्त होगा। उन्नति दायक धनदायक दिन है, शत्रु पर विजय प्राप्त होगा, इच्छा शक्ति आपकी जागृत होगी, जीवन में लाभ धन और भाग्योदय का योग बनेगा, खुशहाली के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जीवन में खुशियां बढ़ते जाएगी, समय अच्छा है, नौकरी व्यापार प्रेम संबंध में समय आपके लिए बड़ा सुख देने वाला साबित होगा, बड़ी कामयाबी सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे और शुक्र के प्रभाव से शुभ फल की प्राप्ति होगी, धन वैभव जीवन में बढ़ेगा और केतु के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में तरक्की आरंभ हो जाएगा, समय शुभ परिणाम देने वाला, आपकी स्थिति को मजबूत करने वाला, बड़े बनने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो अवश्य अपनी इच्छा को आप पूरा होते हुए देखेंगे, अद्भुत काम करने की क्षमता आपको बड़ा आगे बढ़ाएगा, बहुत ही स्वाभिमान आपके जीवन में होगा और मेहनत से जीवन में बड़े लाभ आप अर्जित करेंगे, निश्चित ही आपके कष्टों का अंत होगा, शुभ परिणाम की प्राप्ति, सकारात्मक बदलाव की शक्ति आपको भाग्यशाली बनाता है, समय बड़ा शानदार है, समय बड़ा शुभ है, यानी आज के दिन तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी, परेशानियों से राहत भी प्राप्त होगा और जीवन में परिवर्तन, उमंग उत्साह बढ़ेगा, महत्वाकांक्षा जब जागता है तो अपने कर्म से आप जीवन में सफलता पाते हैं, शुक्र के प्रभाव से रिलेशनशिप बनता है, बुध बिजनेस में धन का योग बनाता है, बृहस्पति जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है, बड़ी खुशी देता है और चंद्रमा के प्रभाव से अपने आत्मविश्वास में आप बहुत मजबूती प्रदान करते हैं, यानी जीवन में इच्छा की पूरा करना, सफलता कामयाबी पाना, सुख धन सौभाग्य का लाभ उठाना, सब कुछ आपके सामर्थ्य, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है, तो दिन आपके लिए अच्छा है, स्टूडेंट के लिए अच्छे से मेहनत करते जाएं, बड़ी सफलता आपको मिलेगी। आज आपकी कुंडली में केतु की स्थिति, शुक्र का प्रभाव, बृहस्पति की स्थिति आपकी जीवन में आगे बढ़ने का साहस देगा, अच्छे अवसर लेकर आएगा, अवसर का लाभ उठाकर जीवन में आप बड़े लाभ और सुख धन की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन में आप सौभाग्य और भाग्य का साथ मिलने से तरक्की भी कर सकते हैं, समय आपके लिए बड़ा सुंदर समय है, परिवार का भी साथ मिलेगा, उमंग उत्साह भी आपके बढ़ेंगे और जीवन में शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। आज चंद्रमा जो है बृहस्पति से नवम पंचम योग बना रहा है और बृहस्पति की स्थिति बेहतर होने से जीवन में कई प्रकार के लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज आप लेंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा और जीवन में लाभ तरक्की का अवसर भी प्राप्त होगा। जो व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, आज अपनी पुरानी गलती से आप सीखें, अपनी पुरानी गलती को ना दोहराएं, जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोचें, लक्ष्मी की कृपा आप पर बन रही है, अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे,
कार्य का विस्तार करेंगे तो जीवन में ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा सुख पाएंगे। आज आपके लव लाइफ में बड़ा सुख है, बड़ा सौभाग्य है। लव लाइफ में, जीवन में अनेक प्रकार की संतुष्टि आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि शुक्र मंगल के साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। परिवार के साथ भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। समय बड़ा शुभ है, समय बड़ा भाग्यशाली है। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा से आप नौकरी भी पा सकते हैं। आज का दिन धन वैभव, मान सम्मान, प्रेम और जीवन में उत्साह को बढ़ाने वाला साबित होगा। दिन बड़ा खास है, दिन बड़ा शुभ है। आज का दिन आपके लिए बड़ा लकी डे है। आपका गुड लक के आपके जीवन में बहुत कुछ आपको देगा, बस आपको मेहनत करते जाना है। बाकी सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ देना है। दिन तरक्की का है, सुख समृद्धि का है। अगर आज आप दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करेंगे तो ज्यादा लाभ, ज्यादा धन अर्जित करेंगे, बड़ी सफलता पाएंगे। राहु काल 9:43 से 11:09 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज ये पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा और लकी नंबर 5 होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 पर दिन की शुरुआत होगी। अमृत काल शाम 7:39, विजय मुहूर्त 2:29 और अभिजीत मुहूर्त 12:12 आपके लिए शुभ साबित होगा। तो आज का दिन भाग्यशाली दिन है, सौभाग्य लेकर आया है। तरक्की उन्नति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, किस्मत आपका साथ देगा, आप भाग्यशाली बनेंगे। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।